तो so डियर हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में क्या डिस्कस कर रहे थे हाईवे इंजीनियरिंग में यूज़ किए जाने जो पेमेंट मटेरियल्स थे और उस पर किए जाने टेस्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे थे जो कि आपके गेट एग्जामिनेशनस के लिए और साथ ही साथ आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए भी जो इम्पोर्टेंट थे उसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े होंगे अगर जुड़े होंगे तभी जो है आपको ये चीज़ें समझ में आएगी अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े थे तो भाई आपको आधा अधूरा देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा पूरी कम्प्लीट वीडियोज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आप प्ले से जो है पूरी वीडियोस को समझेंगे जानेंगे तब तो यहाँ पे जो है आज का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आज का क्वेश्चन है इफ़ एग्रीगेट साइज पचास पचास से चालीस एम एम इज टू बी टेस्टेड टेस्ट किया जा रहा है फॉर फाइंडिंग आउट द पोर्सन ऑफ इलाटेड एग्रीगेट्स यूजिंग लेंथ गेज लेंथ गेज का यूज करके द स्लॉट लेंथ ऑफ गेज शुड बी क्या होगा चार ऑप्शन जो है दिए गए हैं तो जो मीन डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट है उसको कैलकुलेट करने के लिए 40 प्लस 50 दो यानी 45 एमएम mm जो है मीन डायमेंशन जो है एग्रीगेट का हमारा मिलेगा सो स्लॉट लेंथ इज इक्वल टू 1.8 मीन डायमेंशन यानी 1.8 45 यानी 81 एमएम इज द राइट आंसर ठीक है उसके बाद अगली आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन है आपका मैथ्स से क्वेश्चन लिस्ट वन और लिस्ट टू में तो रेजिस्टेंस टू फ्लो रेजिस्टेंस टू फ्लो ये आपका पेनिट्रेशन टेस्ट से रिलेटेड है एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर लोड्स ये आपका जो है डक्टिलिटी टेस्ट से रिलेटेड है और सेफ्टी uh, जो है ये रिलेटेड है फ्लैश फायर पॉइंट टेस्ट से ओके okay, अगला क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है बिटोमिन इज डिवाइडेड फ्रॉम तो बिटूमिन जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से जो है डिवाइड किया जाता है बिटुमिनस मटेरियल आर कॉमनली यूज जो बिटुमिनस मटेरियल है वो कॉमनली जो है यूज किया जाता है इन हाईवे कंस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ देयर गुड क्यों किया जाता है क्योंकि उसका जो बाइंडिंग और जो वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज होता है वो बहुत अच्छा होता है इसीलिए जो है हाईवे मटेरियल के तौर पे जो है इसका यूज किया जाता है जब हाईवे कंस्ट्रक्शन करते हैं बिटुमिनस मटेरियल का यूज करके तब अगला क्वेश्चन है रैपिड क्यूरिंग कट बैक बिटोमिन इज प्रोड्यूस्ड बाई ब्लेंडिंग विटुमिन विद पेट्रोल द पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ बेटूमीन इज कंडेड एट द टेम्परेचर ऑफ ट्वेंटी फाइव डिग्री दिनल स्टेटमेंट में बी मेड अबाउट देशन वैल्यू एंड सॉफ्टनिंग प्वाइंट ऑफ बेटूमीन तो हाइयर देशन वैल्यू लोअर द सॉफ्टिंग प्वाइंट जितना ज्यादा पेनीट्रेशन वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही कम जो है सॉफ्टनिंग पॉइंट जो है हमें देखने को मिलेगा मिनस मटेरियल आर यूज इन हाईवे बिटुमिनस मटेरियल जो है हाईवे कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर क्यों यूज किया जाता है यहाँ पे uh, पहला ऑप्शन है सीमेंटिंग एंड वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज दूसरा लोड बियरिंग कैपेसिटी तो सही उत्तर हो जाएगा सीमेंटिंग एंड वाटर प्रूफिंग प्रोपर्टीज के कारण से बहुत अच्छा होता है है ना गुड uh, है ना गुड होता है अच्छा होता है इसलिए जो है किया जाता है अगला क्वेश्चन है इन हाईवे पेमेंट आर मेनली यूज क्यों किया जाता है ताकि पैचिंग और मेंटेनेंस किया जा सके हाईवे में द टेम्परेचर टू मेंटेन्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ विटोमिन इज 25 डिग्री सेल्सियस द रिजल्ट ऑफ रिंग एंड वॉल सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑन एसफॉल्ट इज गिवेन इन टर्म ऑफ टेम्परेचर के टर्म में जो है किया जाता है इन एंड एग्रीगेट मिक्स एग्रीगेट मिक्स में द प्रोपोर्सन ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो प्रोपोर्स होता है कोर्स एग्रीगेट का फाइन एग्रीगेट एंड माइनर फिल्टर आर 55% 40% परसेंट फोर्टी परसेंट एंड 5% परसेंट जो दिया गया है कोर्स फिफ्टी फाइव परसेंट फाइन एग्रीगेट फोर्टी परसेंट एंड मिनरल फिल्टर जो है 5 परसेंट दिया गया है द वैल्यू ऑफ वर्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स क्या होगा ये जो है आपको बताना है फाइन एग्रीगेट मिनरल फिल्ट फिल्टर जो है यहाँ पे दिया गया है टू पॉइंट फाइव फाइव 2.65 एंड 2.7 ये स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है तो वर्क स्पेसिफिक ग्रेविटी एग्रीगेट का क्या होगा ये जो है आपको कैलकुलेट करना है कोर्स का दिया हुआ है फाइन का दिया हुआ है और मिनरल फिल्टर भी दिया हुआ है लेकिन बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है आपको निकालना है एग्रीगेट मिक्स का जो है यहाँ पे निकालना है तो देखो एग्रीगेट मिक्स का निकालना है तो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी टू डब्लू बाई पॉइंट फाइव फाइव डब्ल्यू बाई टू पॉइंट फाइव फाइव प्लस पॉइंट फोर डब्ल्यू बाई पॉइंट टू पॉइंट सिक्स फाइव प्लस पॉइंट जीरो फाइव डब्ल्यू बाई टू पॉइंट सेवन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सारा और वैल्यू पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका वैल्यू आएगा टू पॉइंट फाइव नाइन अप्रॉक्सीमेटली टू पॉइंट सिक्स जो कि आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है आपका आप बॉक्स है ना एक बॉक्स है मेजरिंग फिफ्टी सेंटीमीटर फिफ्टी सेंटीमीटर और फिफ्टी सेंटीमीटर जो कि फिल्ड किया गया टू द टॉप विद ड्राई कोर्स एग्रीगेट ऑफ मास वन मासव के जी द वाटर एबजॉर्बशन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट आर पॉइंट फाइव परसेंट पॉइंट टू परसेंट पॉइंट फाइव परसेंट टू पॉइंट फाइव जो है ये आपका दिया गया यहाँ पे वाटर ऑब्जॉपन जो है पॉइंट फाइव परसेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है दिया गया है टू पॉइंट फाइव तो जो मैक्सिमम क्वांटिटी होगा वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द बॉक्स कंप्लीटली कितना पानी की रिक्वायरमेंट होगी वो जो है आपको बताना है तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स की बात किया जाए तो पॉइंट फाइव गुने पॉइंट फाइव गुने पॉइंट फाइव यानी पॉइंट वन टू फाइव मीटर क्यूब ये जो है वॉल्यूम आ जाएगा बॉक्स का वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इज इक्वल टू एटी सेवन वन एटी सेवन पॉइंट फाइव बाई टू पॉइंट फाइव इंटू वन थाउजेंड यानी पॉइंट जीरो सेवन फाइव मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एम्पिटियस स्पेस इज इक्वल टू पॉइंट वन टू फाइव माइनस पॉइंट जीरो सेवन फाइव इज इक्वल टू पॉइंट जीरो फाइव मीटर क्यूब यह वॉल्यूम आ जाएगा एम्पिटी स्पेस का सो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कितना वॉल्यूम है वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो पॉइंट फाइव बाई हंड्रेड गुने एक सौ सतासी पॉइंट फाइव बाई वन थाउजेंड तो यहां पे आ जाएगा नाइन पॉइंट थ्री सेवन इंटू टेन पावर माइनस फोर मीटर क्यूब सो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो टोटल वॉल्यूम आएगा वाटर का डेट कैन बी फील्ड वो फील्ड हो जाएगा नाइन पॉइंट थ्री सेवन इंटू टेन पॉवर फोर प्लस पॉइंट जीरो तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो नाइन मीटर क्यूब तो जो मास आ जाएगा मास ऑफ वाटर वो आपका आ जाएगा पॉइंट जीरो नाइन इंटू वन थाउजेंड यानी फिफ्टी पॉइंट नाइन के जी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कई सारे ऑब्जर्वेशन किए गए जो कि टेस्ट किया गया एक एग्रीगेट पे फोर एट सुटेबिलिटी इन पेमेंट कंस्ट्रक्शन पेमेंट कंस्ट्रक्शन के सुटेबिलिटी के अनुसार तो मास ऑफ ओवन ड्राई एग्रीगेट इन एयर जो है एक हजार ग्राम मास ऑफ सैचूरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट इन एयर जो है एक सौ पच्चीस ग्राम मास ऑफ सैचूरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट अंडर वाटर जो है छः सौ पच्चीस ग्राम बेस्ड ऑन एव ऑब्जर्वेशन जो भी ऑब्जर्वेशन किया गया उसके बेसिस पे आपको जो है correct statement जो है है करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं पहला स्टेटमेंट है कि बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट 2.5 एंड वाटर जो है 2.5 दूसरा स्टेटमेंट है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट इज इक्वल टू टू एंड वाटर ऑब्जॉर्स जो है टू तो ये दो स्टेटमेंट दिए गए इन टू स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको जो है बताना है कि कौन सा जो है सही हो जाएगा तो यहाँ पे मास ऑफ ओवन ड्राई एग्रीगेट यानी डब्ल्यू ए इज इक्वल टू वन थाउजेंड ग्राम तो मास ऑफ वाटर इन सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट जो है डब्लू डब्लू मान कर चलते हैं तो डब्ल्यू एयर प्लस डब्ल्यू डब्लू इज इक्वल टू एक हज़ार पच्चीस ग्राम दिया हुआ है तो डब्लू डब्ल्यू इज ओक्ल टू आ जाएगा एक हज़ार पच्चीस माइनस एक हज़ार यानी पच्चीस ग्राम जो है डब्लू डब्लू आ जाएगा यानी वेट ऑफ वाटर जो है यहाँ में जो है यहाँ पे मिल जाएगा या मास ऑफ वाटर जो है आ जाएगा सो डब्ल्यू ए माइनस वी ए रो डब्ल्यू इज इक्वल टू छः सौ पचास ग्राम सो वी ए यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो तीन सौ पचहत्तर सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका आ जाएगा यहाँ पे वी ए जो है वॉल्यूम ऑफ एयर को रिप्रेजेंट करता है सो वॉल्यूम ऑफ वायड इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर वाई डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू पच्चीस वाटा एक यानी पच्चीस सेंटीमीटर ये वॉल्यूम ऑफ वाइड आ जाएगा सो वर्ल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट इज रो आ, रो बी एज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई वी ए प्लस वी बी तो यहाँ पे जो है एक हज़ार बटा तीन सौ पचहत्तर प्लस पच्चीस यानी टू पॉइंट फाइव जो है आपका वर्ल्क डेंसिटी आएगा तो वर्ल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट इज इक्वल टू वर्ल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट बाई यूनिट वेट जो भी हमारा है वर्ल्क यूनिट वेट ऑफ वाटर वो तो 2.5 पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई वन इज इक्वल टू टू ये जो है इतना आपका जो है वर्ल्ड का स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा यहाँ पे वन जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के टर्म में जो है वन लिए वही अगर केजी के टर्म में रहता या न्यूटन के टर्म में रहता तो एक हजार जो है हम लोग लेकर चलते नाउ वाटर एबजॉर्बशन इज इक्वल टू डब्लू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ए इंटू हंड्रेड यानी पच्चीस वाटा वन थाउजेंड इंटू हंड्रेड यानि टू पॉइंट फाइव यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपका सही होगा यहाँ पे मैच करना है आपको ऑप्शंस को है ना तो लिस्ट वन और लिस्ट टू में तो रजिस्टेंस टू इम्पैक्ट तो ये जो है टफनेस से रिलेटेड है रजिस्टेंस टू बियर ये रिलेटेड है आपका हार्डनेस से रजिस्टेंस टू वेदरिंग एक्शन ये जो है आपका रिलेटेड है साउंडनेस से और क्रसिंग क्रसिंग जो है ये आपका रिलेटेड है स्ट्रेंथ से ठीक है अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन मार्शल मेथड ऑफ मिक्सिंग डिजाइन मिक्स किया जा रहा है डिजाइन द कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट फाइनस एंड बीटूमीस जो है उसका वैल्यू जो है दिया गया है जी का जो है दिया गया है है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी का इन सभी का कोर्स का फाइन fine का फाइंस का और बिटुमिन का 2.6 2.7 2.65 एंड 1.01 आर मिक्स्ड इन द रिलेटिव प्रोपोर्शन एक प्रोपोर्शन में जो है उसको मिक्स किया जा रहा है पचपन पैंतीस पॉइंट आठ थ्री पॉइंट सेवन एंड फाइव पॉइंट फाइव रिस्पेक्टिवली है ना कोर्स का पचपन इस तरीके से जो है रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं क्रम वाइज द थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स जो थियोरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा मिक्स का एंड इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट मिक्स क्या होगा जो है वो बताना है चार ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको जो है दिए गए हैं तो यहाँ पे जो है और थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी जो इक्वल टू फॉर्मूला होता है जी टी जो कॉल टू डब्लू वन प्लस डब्लू टू प्लस डब्ल्यू थ्री प्लस डब्लू फोर बाई डब्लू वन बाय जी वन प्लस डब्लू टू बाई जी टू प्लस डब्लू थ्री बाय जी थ्री प्लस डब्लू बी बाय जी बी ठीक तो यहाँ पे जो है वैल्यू सारा पुट कर देंगे तो जीटी का वैल्यू आएगा 2.4 जो कि थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हमें निकल जाएगा उसके बाद इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है जी डैस इज इक्वल टू पचपन गुने टू पॉइंट सिक्स प्लस थर्टी फाइव पॉइंट एट गुने टू पॉइंट सेवन बाई थर्टी फाइव प्लस फिफ्टी फाइव प्लस थर्टी फाइव पॉइंट एट तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो टू पॉइंट सिक्स तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट right आंसर अगला क्वेश्चन आपका जो है दिया गया है अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है द परसेंटेज वॉय इन मिनरल्स एग्रीगेट वी एम परसेंटेज एयर एयर वी वी यानी कंपैक्टेड सिलेंड्रिकल बिटुमिनस मिक्सचर स्पेसमैन आर फिफ्टीन एंड फोर पॉइंट फाइव जो है रिस्पेक्टिवली दिया गया है द परसेंटेज वाइड फील्ड विद बिटुमिन वी एफ बी आर दिस स्पेसमैन इज तो कौन सा होगा चार ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है है ना आपको बताना परसेंटेज वाइड फील्ड विद बिटुमिन बिटमिन से जो है फील्ड होना चाहिए तो यहाँ पे वी एम एज इक्वल टू वी वी वाई वी इज इक्वल टू पंद्रह प्रतिशत और परसेंटेज एयर वाइड वी वी माइनस वी बी बाई टोटल वी इज इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव इक्वल टू वी वी बाई वी भी इज इक्वल टू टेन पॉइंट फाइव बाई पंद्रह इज टू हंड्रेड यहाँ पे यहाँ पे जो है आ, तो टोटल वॉल्यूम जो है हंड्रेड यूनिट है तो वॉल्यूम ऑफ वाइड जो पंद्रह यूनिट है तो वॉल्यूम ऑफ वाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ बिटोमिन इज इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव यूनिट तो वॉल्यूम ऑफ बिटोमिन इज इक्वल टू टेन पॉइंट फाइव यूनिट जो हमारा यहाँ पे आ जाएगा सो वॉल्यूम ऑफ बी टू मीन फील्ड जो है आ जाएगा आपका सत्तर प्रतिशत जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है तो डियर इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने बाकी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जो है आपके लिए बेटर होगा तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ऐसे भी बोला गया है तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए बाकी कोई भी डाउट्स रहता है कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आपको जो है हम जरूर बताएंगे मतलब कमेंट करके बताइएगा तभी जो है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और नोट्स जो है आपको हमारे टेली एप इंजीनियर प्लस पे मिल जाएगा तो वहां से जो है आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं थैंक यू सो मच